हमारे जो ध्वज जो उसमें किसी जाति प्रथा पर न जाते हुए जो 1303 ईस्वी में जो हमारे यहाँ प्रथम छाटा हुआ जो अंग्रेजी और मुगलों के आक्रमणता और आक्रमणकारियों के विरुद्ध में और जो हमारी महिलाओं ने अपने मान सम्मान को बचाने के लिए वो किसी के गुलामी ना स्वीकार करते हुए जो उन्होंने अपना त्याग और बलिदान दिया जौहर कुंड में उसके उपलक्ष्य में हमने ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है हमारी पार्टी ने। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और हमारी पार्टी के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे पूर्वजों का सम्मान और इतिहास को दर्शाना। और अभी तक ये किसी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं आप राष्ट्रीय पार्टियां कर लीजिए जो अभी हमारे वर्तमान सरकार जो स्थापित है राज्य में उनके द्वारा भी और जो हमारी केंद्र में जो सरकार स्थापित है उनके द्वारा भी किन्हीं के द्वारा भी इस तरह के कार्यक्रम हमारे पूर्वजों के सम्मान में अभी तक नहीं किया गया है और नहीं दर्शाया गया है। और चूंकि इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने पहली कार्यक्रम यहाँ पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश में पहली बार इस तरह का आयोजन किया गया। सर क्या क्या आज होगा? सर क्या क्या होगा इस कार्यक्रम? आज कोई राजनीतिक मंच नहीं है हमारे यहाँ और यहाँ सिर्फ यही फोकस है कि किस तरह से जो हमारी महिलाओं ने जो जौहर किया था जो हमारे बलिदानियों ने महाराणा प्रताप ने पृथ्वीराज चौहान ने जिन्होंने इस भूमि को इस धरती को बचाने के लिए जो त्याग बलिदान किया है अपनी शहादत दी है खून की नदियाँ जो अपनी बहाई हैं उसके उपलक्ष्य में उनके सम्मान में दर्शाया जाए। चूँकि सरकार की अभी जो वर्तमान सरकार हमारी जो चल रही है मोदी जी की सरकार मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था मगर आपने जो पूछा इस वजह से मैंने नाम लिया। ये सरकार ने कहीं ना कहीं हाशिए पर लाने का काम किया है पूरे स्वर्ण कम्युनिटी को और कहीं से भी जो भी आप लोग जो मीडिया के बंधु हैं जिनसे छिपी हुई नहीं है पूरे स्वर्ण कमेटी को जो इतिहास है आप बताइए कि महाराणा प्रताप को जो हम लोग बचपन में पढ़ते आए थे जिनकी कहानी जिनकी में पृथ्वीराज चौहान की जो हम लोग सौर की कहानी पढ़ते आ रहे थे उनको ना दर्शा करके आज अमुक व्यक्तियों को दर्शाया गया है जिनका कोई इस देश के इस सृष्टि के इस पूरे क्या बोलते हैं द्वीप के कोई भी निर्माण में कोई उनका योगदान नहीं है अहम भूमिका नहीं है फिर भी उनको किसी राजनीतिक षडयंत्र के तहारे हमारे पूरे स्वर्ण बिरादरियों के मैं एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल में किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ पूरे जो स्वर्ण कम्युनिटी हैं और उसमें सभी आ जाते हैं जो हैं और उनको उनके इतिहास को कहीं ना कहीं हंसी पर रखने का काम किया गया है और ये बहुत ही अति निंदनीय है और इसके लिए हमने अपने बच्चों के आने वाले पीढ़ियों को बताने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है कि हमारे पीढ़ियों ने क्या बलिदान दिया है इस देश को अखंडता को बरकरार रखने के लिए। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रकाश कुमार सिंह प्रवक्ता बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सब बताइए सर प्रमुख विषय है हम लोग शाखा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाकर और एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने जा रहे हैं और हमारा सर्वप्रथम 1303 ईस्वी में हमारे पूर्वजों ने हमारे महिलाओं ने जौहर किया 16,000 रानियों के साथ उस 16,000 में जो भी थे सभी वर्ग के लोग हाँ सभी वर्ग के लोग थे और ये अकरात अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था और उसी प्रथा करीब करीब हमारे 29 बार हुए जौहर हमारा 29 बार हुआ है और उसी के रूप में हमारे पूर्वजों को इतिहास को हम लोग मनाने जा रहे हैं जो कि किसी इतिहास में भी दर्ज नहीं है। आजकल तो पढ़ाई केवल राजनीति होती है लेकिन पूर्वजों का इतिहास हम लोग याद करने के लिए और हमारे पाठ्यक्रम में दिया हाँ उसको ये भी मांग करेंगे सरकार से कि हमारे पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया जाए रानी पद्मिनी का और पृथ्वीराज चौहान का महाराणा प्रताप का हर बच्चे लोगों को पढ़ाया जाए पुराना इतिहास यही लोग मुगल काल को पढ़ाते हैं और औरंगजेब काल को पढ़ाते हैं लेकिन इसका हम लोग डिमांड करेंगे। सर किनको सम्मान करेंगे आज यहाँ? सर आज हम लोग जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे समाज के लोग जो भी समाज के आते हैं जो वरिष्ठ लोग हैं उनको हम लोग सम्मानित करेंगे और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में शेर सिंह राणा जी पधार चुके हैं यहाँ दुष्यंत सिंह हैं वो हमारे कार्यक्रम में आएंगे। थैंक यू सर।